चैनल आतिया फैमिली चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे लग रहा है बिंदी थोड़ा सा साइड में नहीं लगी हुई है। एक्चुअली कैमरे का भी काम करता है हमारा मोबाइल फ़ोन, तो मुझे बिंदी अपनी सही पोजीशन पे नहीं लग रही थी। तो अभी हम लोग ये साड़ी वेयर करी हुई है और इसके साथ प्रॉपर जूड़ा बना लिया है। तो जूड़ा बनाने से एक तो दो आराम हो गया है, बाल आपके जब बंध जाते हैं ना तो थोड़ा सा फ्री फील करना होता है और साथ ही साथ और भी काम हो पाते हैं और डांस वांस करने में गर्मी भी नहीं लगती है, तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में आराम रहता है। और निधि यहाँ पे रेडी हो रही है, तैयार हो रही है, तो निधि अभी रेडी होने में लगी हुई है, बाहर है। सब लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ही फंक्शन शुरू किया जाए। निधि, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी तैयार हो। निधि लेट लपेट लग रहा कर रही है और आज अभी लाइट भी चली गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं लाइट भी आ जाए तब फंक्शन शुरू करें, क्योंकि बाकी तो प्रॉब्लम नहीं होगी बट साउंड वगैरह में थोड़ा दिक्कत होगी, म्यूजिक वगैरह में। ये बार बार ना मैं सोच रही हूँ यहाँ पे रहे और ये नीचे खिसक खिसक के आ जा रहा है प्रॉपर। शायद इसका हुक थोड़ा ढीला लगा हुआ है। तो चलिए रेडी हो गए हैं और फंक्शन शुरू होने वाला है, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, आप लोग भी फंक्शन को। तो अभी हम सब लोग बाहर आ गए हैं और अब बस मेहंदी फंक्शन शुरू होने वाला है। सबने आज ग्रीन कलर की साड़ी वेयर करी हुई है, तभी मैं सबको एक एक करके आप लोगों को दिखा। और ये है मम्मी, तो मम्मी ने यहाँ पर ग्रीन कलर की साड़ी वेयर की है। तो मम्मी के ऊपर डार्क कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ये सारे कलर ना मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो मम्मी आज बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ मैरून और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में साड़ी वेयर करी हुई है। निधि ने तो प्रॉपर मेहंदी ग्रीन ही पहना हुआ है और देख सकते हैं नीतू आ गई है, घर की छोटी बहू। तो नीतू छोटू छोटी बहू है और छोटी बहू के जैसा उसका फेस भी लगता है। एक सीरियल आता था ना छोटी बहू करके, तो उसमें जो राधिका थी वो कुछ कुछ निधि जैसी ही लगती थी। और ये है नेहा। तो आज नंद रानी की मेहंदी में दोनों भाभियाँ ना एक से बढ़कर एक लग रही हैं, यानी नेहा भी बहुत सुंदर लग रही है और नीतू भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इन दोनों को नज़र लगने का खतरा ना सबसे ज़्यादा ही बढ़ गया है, निधि से ज़्यादा नज़र ना इन्हीं लोगों को लगने वाली है। उसके बाद हमारी मम्मी और चाची दोनों देवरानी जेठानी अपने सारे नाती पोतों के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने जा रही हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे अक्षत है, ओजस है और अथर्व है, धृति है एंड अभी आद्या की कमी है, सुचि की कमी है। तो सुचि और उसकी मम्मा भी आ गए हैं और मेरी सिस्टर है पूजा और इधर साइड है नीतू। तो दोनों नंद भाभी फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं। उसके बाद ये है निधि के भैया भाभी। तो निधि की दो दो फैमिलीज़ हैं, तो एक मामा पक्ष से हैं और एक दादी पक्ष से हैं। तो ये दादी पक्ष वाली भाभी भैया हैं, तो ये लोग अभी हल्दी वाले लोग से ही बाहर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर ये लोग इन लोगों ने येल्लो साड़ी में ही फ़ोटो क्लिक करवा ली है निधि के साथ और सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे पिक्चर वगैरह क्लिक करवाने में। और ये है निधि की बड़ी मम्मी। तो बड़ी मम्मी भी अभी चेंज नहीं करी हुई हैं, वही हल्दी वाली साड़ी ही वेयर की हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम सब मम्मी, चाची, मैं और नेहा, नीतू, हम सब लोग फ़ोटो एक साथ खिंचवाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी फैमिली फ़ोटो बाकी थी तो बस हम लोग वही खिंचवा रहे हैं। और मेहंदी का कलर सबके बहुत अच्छा आया है, तो हम लोग ने कहा चलो कुछ अच्छे अच्छे पोज देते हैं, फ़ोटो अच्छे अच्छे पोज में क्लिक करवाते हैं। तो चाची कह रही क्या करना है, तो मैं इन लोगों को बता रही हूँ ऐसा सबके फैमिली में होता होगा, वैसे ही हमारे यहाँ भी हो रहा है। और सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन लोग को लग रहा है निधि मौसी की शादी में ना बहुत इंजॉय करना हो रहा है। और यहाँ पे निधि बैठी आ गई है हमारी बुआ, तो ये बुआ हमारी आलापुर में रहती हैं, बड़ी वाली बुआ हैं। तो बुआ भी हमारी आई हुई हैं, बुआ की बेटी भी आई हुई है और डेजी भी आई हुई है, ये मुंबई में रहती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई है। और शादी ब्याह ही वो ओकेज़न होता है जिसमें फैमिली इकट्ठा हो जाती है, और आज इन्हीं लोगों ने आकर के ना सरप्राइज़ की कर दिया, क्योंकि बुआ का आने का कोई प्लान नहीं था और बुआ ने हमें एकदम से सरप्राइज़ कर दिया। अभी आपको हम दिखाते हैं डेकोरेशन मेहंदी की
कुछ इस तरीके की लग रही है। और यहाँ पर मेहंदी की कोन रखी हुई, तो सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी दुल्हनियाँ तो अभी लगा चुकी है और उसके बाद स्टार्ट हो गया है मेरा डांस। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, इस वाले गाने में डांस कर रही हूँ। और मैं इसको यूट्यूब पर ना विथ सॉन्ग अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर इंजॉय कर लीजिएगा। ब्लॉग के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लॉग के साथ कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं अलग से वीडियो पूरा अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग इन्जॉय करेंगे आई होप। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोनों भाभियाँ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेहंदी तो लग चुकी है। आई थिंक दूल्हे राजा का नाम लिख रही हैं ये दोनों। और मजाक मजाक में निधि की भाभियों ने निधि से क्या क्या मजाक कर दिया कि बिल्कुल ना शर्मा गई निधि। तो दुल्हन को आज इन लोगों ने ना बिल्कुल शर्मसार कर दिया है, इतना ज़्यादा वो किया है। उसके बाद हमारा नंद भाभी का डांस हो गया। वैसे नेहा ज़्यादा डांस नहीं करती, वो ढोलक बजाती है, गाना वगैरह गा लेती है, बट उसको डांस करना ज़्यादा नहीं पसंद है। और नीतू डांस बहुत अच्छा करती है, काफ़ी एक्सपर्ट है मेरी, और इसकी खूब जम रही है डांस में, क्योंकि मैं भी खूब डांस करती हूँ और ये भी खूब करती है। तो डांस वालों की ना एकदम मैचिंग हो गई है। तो होता नहीं फैमिली में, सब एक जैसे नहीं होते, सब कुछ डिफरेंट कुछ ना कुछ होता है, तो बस वही है। और फंक्शन अभी चल रहा होगा, रात के बज रहे हैं 10:30, अभी फंक्शन चलता ही रहेगा। देख सकते हो सभी लोग चेयर डाल करके बाहर बैठे हुए हैं और सबको मज़ा आ रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे फैमिली मस्ती में ना हम लोग का मेहंदी हल्दी फंक्शन सब हो गया है, तो फैमिली के साथ हम लोग खूब मज़े कर रहे हैं। आज की रात ना सबको खूब इंजॉय करना है, क्योंकि कल आनी है बारात, तो कल दिन में हम लोग थोड़ा सा सो लेंगे, लेकिन आज किसी के हाथ पैर नहीं रुकने वाले। यानी ढोलक बजाने वाले भी अभी गाना गाने वाले, रात को 12-1 बजे तक ही लेडीज संगीत होगा, सब कुछ कार्यक्रम होगा। तो बस हम लोग यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं। लास्ट में हमारी दुल्हन यानी निधि का भी डांस हो रहा है, तो निधि वैसे तो डांस बहुत अच्छा करती है, लेकिन आज शायद साड़ी पहनने के बाद उसे ना डांस करते ठीक से बन ही नहीं रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हालत क्या हो गई है, सिंदूर मेरा पूरा बह गया है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और डांस करते करते ना पूरा सिंदूर ही मेरा फैल गया है, तो यही है। और बुआ हमारी भी डांस कर लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन इंसिस्ट करने पर कर रही हैं, बुआ वैसे मेरी डांस नहीं करती हैं। और नेहा यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि नीतू के हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई थी, तो नेहा यहाँ पे उसके हाथों में मेहंदी लगाने में लग गई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी दोनों, हम दोनों ना इस गाने में एक्शन कर रहे हैं। इतनी रसमलाई आपके लिए, जूते चुराए नहीं चुराया कोई जेवर, क्योंकि ये गाना ना ओजस का फेवरेट है और वो उसी को लगवा के इस टाइम पे डांस कर रहा था, तो इस पे हम लोग भी एक्शन करने लगे। सुनने के बाद बहुत मन करने लगा था, तो बस हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और
सबका डांस होते होते ना अच्छा खासा टाइम हो गया, और एक दूसरे को देख करके ना जिसका डांस करने का मन भी नहीं कर रहा होता ना, जिसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, वो भी शुरू हो जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब आ गए हैं डांस करने के लिए, अभी कोई भी बैठा नहीं हुआ है, सब आराम से खड़े हो गए हैं कि भैया हम भी करेंगे, तो सब मस्ती से झूमने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। हमारी रुकेंगी नहीं, खाना पीना खा के चली जाएंगी, तो हम तो बुआ को बहुत रोक रहे हैं कि कल शादी है, कल बारात है, कल रुकिए आप, परसों जाइएगा, पर बुआ हमारी नहीं मान रही हैं। तो यहाँ पे बुआ डेजी सभी लोग खाना पीना खा रहे हैं, और जैसा कि आज के दिन कढ़ी दही बड़े यही सब बनता है, तो बुआ खा रही हैं और हम सब भी खाना खाने जा रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आतिया फैमिली चैनल।